आज बनाएंगे आलू की कचौड़ी। तो ये हैं आलू जिनको हमने धुल के रखा हुआ है, वॉश करके रखा हुआ है और इनको रखते हैं बॉईल करने के लिए। तो इनको हम कुकर में रखेंगे बॉईल करने के लिए। और इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी और इसको लिड से कवर कर देंगे कुकर को। जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हम उसका जो डो है वो तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी आटा। हम पूरा गेहूं का आटा लेंगे, हमने मैदा बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा भी ले सकते हैं, इसमें मिला सकते हैं। अगर आपने 1 कप मैदा ली है तो 2 कप आटा ले लीजिए, लेकिन हमने पूरा पूरा आटा लिया है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके ऐड किया है, और 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा सरसों का ऑयल था और वो उसको हमने गरम कर लिया था। गरम करने के बाद ठंडा करके हमने उसको ऐड किया है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको आटा में। अच्छे से मिक्स करने के बाद तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा को लगाएंगे, एक डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के हमें ऐड करना है, नहीं तो आटा जो है हमारा डो जो है गीला हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक सॉफ्ट सा डो हमने तैयार कर लिया है और हमने इसको एक कॉटन के कपड़े से, गीले कपड़े से ढक दिया है। तब तक हम चलते हैं आलू की तरफ। आलू को हमने छील लिया है, बॉयल हो चुके थे तो हमने छिलकों को अलग कर दिया है और आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैश करेंगे। तो मैं ना इसमें ज़्यादा लग रहे थे, हो नहीं पा रहे थे मैश, तो मैंने अलग थोड़े से अलग निकाल लिए हैं। और इनको मैश करने के बाद फिर मैं उनको भी मैश कर लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो पोटैटो जो मैसर होता है उससे कर लीजिए, या फिर अब स्टफिंग के लिए करेंगे मसाला तैयार। तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कलर के लिए 2 चुटकी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना हुआ है, आप कच्चा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसको हमें अभी मसाले को भूनना है, 1 छोटी चम्मच काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, लाल मिर्च, दो चुटकी हींग। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गरम करेंगे और ऑयल में क्रश की हुई कद्दूकस की हुई जो अदरक है वो ऐड करेंगे। अदरक को भूनेंगे और उसके बाद जो हमने मसाला मिक्स करके रखा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। मसाला भी भूनेंगे थोड़ा सा, और जैसे ही मसाला हमारा भुन जाएगा तो जो आलू हमने मैश करके रखे हुए हैं उनको ऐड कर देंगे। और सभी को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, सभी मसाले जो है आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। इस तरीके से चलाते हुए 2 से 4 मिनट चलाएंगे और मसाले जो है अच्छी तरह से हमारे आलू में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी हम मिक्स कर देंगे आलू में। और उसके बाद आलू को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कढ़ाई से बाहर कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो स्टफिंग है बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, हाथों को थोड़ा चिकना करेंगे और आलू की हम बॉल बना के रख लेंगे, छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। देखिए एक बॉल जो है हमारी बन चुकी है। इसी तरीके से हम सभी आलू की, सभी जो हमारी स्टफिंग है उसकी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे तो हमें कचौड़ी भरने में आसान हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स जो है रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी बॉल्स जो है थोड़ी सी की हैं, अभी सारी नहीं, और इसी तरीके से हमें सारी बॉल्स बना लेना है सारी स्टफिंग की। अब चलते हैं आटा की तरफ और आटा को फिर से एक बार थोड़ा सा मसल लेंगे और इस तरीके से आटे की भी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो
ये देखिए छोटी छोटी जिस साइज में आपको कचौड़ी बनाना हो उस साइज की इसकी भी बॉल्स बना लीजिए। तो मैं आटे की भी बॉल बना ले रही हूँ, और आटा अगर आपका टाइट होगा तो कचौड़ी फट जाएंगी। अगर आपका आटा जो है सॉफ्ट होगा, जो डो है वो सॉफ्ट होगा, तो बिल्कुल भी आपकी कचौड़ी फटेंगी नहीं। ये एक ट्रिक होती है कचौड़ी की, आलू की कचौड़ी की। अगर कचौड़ी फट जाती है ना, फूट जाती है, तो क्या होता है कि ऑयल भी हमारा ख़राब हो जाता है और वो खाने में भी बहुत बेकार लगती है, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑयल भर जाता है, तो वो खाने में भी बहुत बेकार लगती है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बॉल को लिया है और अच्छे से मसला है, और इसको हमने लोई के रूप में तैयार कर लिया है। और उंगलियों की सहायता से हम इसको बड़ा करेंगे, किनारों से हम इसको पतला करेंगे और बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे। और बड़ा करने के बाद इसमें हम जो हमारी स्टफिंग की बॉल्स है, वो एक बॉल को हम इसके अंदर रखेंगे, और इस तरीके से हम इसको उंगलियों की सहायता से बंद करते हुए जाएंगे। आटा को जो स्टफिंग है उसको अंदर बंद कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और बिना बेले हुए हम पहले आपको बताएंगे कि बिना बेले हुए कैसे आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से थपथपा के इसको बड़ा करिएगा, ताकि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो किनारे तक पहुंच जाए और हमारी जो बॉल है वो एक कचौड़ी का रूप ले ले। तो ये देखिए हमारी कचौड़ी रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम दूसरी इसी तरीके से भर लेते हैं, और दूसरी हम बेलन से बेलना बताएंगे आपको। ये देखिए दूसरी को भी हमने इस तरीके से भर लिया, और जो बीच में आटा है उसको आप या तो हटा दीजिए या फिर उसी में दबा दीजिए। अब इसको हम सूखा आटा लगा के और बेलन से हल्के हाथ से इसको बड़ा करेंगे, एक कचौड़ी का रूप देंगे यहाँ पे। ये देखिए आप चाहे तो सूखा आटा ना लगाएं तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और ये है कढ़ाई में सरसों का ऑयल, इसको मैंने पहले अच्छे से गर्म किया और उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा किया, थोड़ा सा नॉर्मल किया। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में डाल देंगे तो एकदम कचौड़ी हमारी जल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखेंगे, और कचौड़ियों को जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगी तब हम इसको पलट देंगे, ये देखिए। और इनको उलटते पलटते हुए हमें दोनों साइड ब्राउन कलर में सेक लेना है। देखिए फूली फूली सी कचौड़ी एकदम रेडी होने लगी है हमारी, फूल गई हैं सारी कचौड़ियाँ। तो ये देखिए कचौड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इसके साथ हमने बनाई है धनिया टमाटर की चटनी, जिसकी रेसिपी भी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।